नमस्कार। एक हेल्दी प्रेगनेंसी की चाह हर एक माँ को होती है। हर एक माँ चाहती है कि जो हमारा बच्चा है वो एकदम हेल्दी हो। तो आइए तीन मेन काम बताने जा रहे हैं। ये तीन काम कर लिए तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्लस आपकी बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। तो जो सबसे पहला ज़रूरी काम है वो है फॉलिक एसिड का सेवन करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी पहली बार कंसीव होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको 3 महीने तक आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की दवाई लेने के लिए कहते हैं, जो कि लेना भी ज़रूरी है। अगर आप फॉलिक एसिड का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे के विकास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चा भी स्वस्थ रहता है। अगर आप फॉलिक एसिड की दवाई नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपके बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है, बच्चे में जन्म से ही ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जिससे बच्चे का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है उसे आप ज़रूर लें, टाइम टू टाइम लें, और हो सकता है कि उसके सेवन करने से आपको उल्टी जैसा फील आए, पर यहाँ पर उल्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्वस्थ बच्चा है, तो बच्चे को ध्यान रख के टैबलेट का सेवन ज़रूर करें। दूसरा जो मेन है आयरन टैबलेट का सेवन करना। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका आयरन में कमी हो गया तो आपके खून में कमी होने लग जाएगी, और खून में कमी होगी तो बच्चे के विकास में भी कमी होगी, बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो एक चीज़ का रखिए ध्यान, आयरन की जो टैबलेट है वो टाइम टू टाइम लीजिए और डॉक्टर ने जैसे बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको आयरन की टैबलेट अच्छे से लेनी चाहिए ताकि आपका बच्चा हेल्दी रह सके और स्वस्थ रह सके। आयरन की टैबलेट खाते वक्त हो सकता है आपका जो मोशन है वो काला आने लगे या ब्लैक आने लगे। अगर आपको ऐसा दिखता भी है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तीसरा जो मेन है वो है कैल्शियम। जी हाँ, डॉक्टर आपको कैल्शियम की भी टैबलेट लेने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ का आपको रखना है ध्यान, अगर डॉक्टर ने आपको स्पेशली कैल्शियम खाने के लिए कहा है तो ही कैल्शियम का सेवन करना है। अगर कैल्शियम नहीं कहा है तो प्लीज़ कैल्शियम का सेवन मत कीजिएगा। अब कैल्शियम की दवाई लेने का जो सही तरीका है, आप दोपहर में खाना खाने के बाद एक दवाई कैल्शियम की ज़रूर लें। इससे क्या है कि बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा, बच्चों की हड्डियां भी बहुत अच्छे से होंगी। और कैल्शियम युक्त आहार का भी सेवन ज़रूर करें, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है वैसे आहार को आपको लेना ज़रूरी भी होता है। कैल्शियम आपको मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, जो कि दूध, दही, पनीर, छाछ है, अभी इसका सेवन ज़्यादा कीजिए, इससे आपका बच्चा एकदम स्वस्थ और हेल्दी होगा। चौथा जो है प्रोटीन लेना। जी हाँ, प्रोटीन का सेवन करने से भी आपके वेट तो बढ़ता ही है, प्लस आपके बच्चे का भी वेट बढ़ता है। प्रोटीन की कमी से आपके बच्चे में हाई रिस्क होता है प्रीमेच्योर बेबी होने का, तो इसका आपको रखना है ध्यान। प्रोटीन का सेवन आप ज़रूर करें। अगर आपको डॉक्टर ने प्रोटीन के लिए कहा है तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और ज़रूर सेवन कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी से आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। तो तब तक बने रहे चैनल पे, आप सभी का नमस्कार।